काम जीवन का अभाव या सेक्सुअल डिसफंक्शन और कोई बीमारी से होना या और कोई वजह से होना, उसकी चर्चा हम आज करने वाले। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में, नागपुर, मुंबई, पुणे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सेक्स प्रॉब्लम्स लेके काफ़ी सारे लोग हमारे पास में आते हैं। वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, फ़ोन से पूछते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। इतना प्रॉब्लम है लोगों को सेक्स का, मगर वो बोल नहीं पाते क्योंकि समाज का एक अभिशाप है, मतलब सोशल स्टिग्मा है कि हम बाहर लोगों को बोल नहीं सकते, किसी को पूछ नहीं सकते। हमारे में अच्छा नहीं माना जाता है कि मेरे को सेक्स प्रॉब्लम है, बाहर मैंने बोलना, उसके बारे में चर्चा करना। तो ये वीडियो है ना, आप लोगों को शेयर करो ताकि लोगों को समझेगा कि हमको जो प्रॉब्लम है सेक्स का, जो हम बोल नहीं सकते, उसके लिए क्या किए क्या किया जा सकता है। तो सेक्स प्रॉब्लम है मतलब लिंग में कठोरता नहीं आना, शिश्न में कठोरता का अभाव, और उसकी वजह से सेक्स कर नहीं पाना, और काम जीवन उसका अधूरा रहना। अब ये मानसिक कारण से हो सकता है, उसको कोई मानसिक कारण है जिसकी वजह से उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, शिश्न में कठोरता आती नहीं है, या फिर उसको सेकेंडरी कॉज है, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उसका प्राइमरी कॉज कुछ और है। तो फिर प्राइमरी कॉज क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है कि हार्ट के ऊपर काम करने वाली दवाइयाँ, उसमें ब्लड प्रेशर, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ, उससे होता है ज़्यादातर। फिर एंटी कोलिनर्जिक मेडिकेशंस जो है वो दवाई से होता है। एंटी कन्वल्सेंट्स मतलब झटके नहीं आने के लिए दवाई देते हैं, उसके बारे में। एंटी साइकोटिक मतलब मनोविकार के लिए दवाई देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन के लिए दवाई देते हैं। तो ये सब दवाइयों से सेक्स के ऊपर असर हो जाता है। फिर स्लीपिंग टैबलेट्स, स्लीपिंग पिल्स, उसकी वजह से, शराब की वजह से, नशीली चीज़ें, नशीले पदार्थ खाने से, उसके वजह से सेक्स के ऊपर असर हो जाता है। फिर कमर के नीचे कहीं भी प्रॉब्लम हो, कहीं कमर के नीचे समझो सूजन है, कहीं मार लगी हुई है, नर्व जो है, पेशियाँ जो, उसको कहीं मार लगी हुई है, कहीं ट्यूमर है, जैसे स्क्रॉटम जो दो गोले हैं ना, दो गोले रहते हैं वहाँ, वो जो स्क्रॉटम में, उसमें टेस्टिकल से उसमें कोई ट्यूमर वगैरह है, उसकी वजह से। फिर शरीर में डायबिटीज़ मलाइटस है, मतलब डायबिटीज़ की शक्कर की बीमारी, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर थायराइड की कमी है, थायराइड की ज़्यादा है, मतलब थायराइड सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो कोई भी थायराइड की बीमारी से सेक्स का प्रॉब्लम आ सकता है। ब्रेन में भेजे में ट्यूमर है, या ब्रेन में इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, ऐसा कोई भी ब्रेन की बीमारी हो, उसकी वजह से सेक्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं। पीठ में जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो पीठ में जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कोई, मतलब उसको कोई झटका बैठा हुआ है, उसको कोई मार पहुंचा है, चोट पहुंची हुई है, तो उसके वजह से सेक्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हमारे पास में जब भी कोई पेशेंट आते हैं सेक्स के, तो हम पहले देखते हैं कि उसका ये जो सेक्स का प्रॉब्लम है, शिश्न में कठोरता नहीं आती है, क्या इसका कोई प्राथमिक कारण है शरीर में, और ये द्वितीयक कारण है, और यदि प्राथमिक कारण कुछ है तो उसका निपटारा करना पहले पड़ता है, क्योंकि प्राथमिक कारण जो, उसका पहले इलाज करो, वो इलाज करेंगे तो इलाज आप ही आप हो जाए। और प्राथमिक कारण यदि नहीं है, इसका मतलब वो साइकोलॉजिकल है, प्राइमरी है, तो उसका वैसा फिर इलाज हम करते हैं। उसके लिए अलग अलग दवाई हैं, उसका इस्तेमाल होता है। फिर कॉग्निटिव थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, फिर सेक्स थेरेपी है, ऐसे अलग अलग इलाज हम करते हैं, तो उससे उसका से काम जीवन जो है वो बहुत आनंदमय अच्छा हो सकता है। जो वीडियो है ये लोगों को आप शेयर करो, ताकि लोग ऐसा खुल के बात नहीं करते, कि वीडियो लोगों को शेयर करेंगे, लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा और लोगों का काम जीवन जो है वो अच्छा हो जाएगा। हमारा मिशन जो है लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देना और व्यसन मुक्त भारत का निर्माण करना, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।